स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर जीत के साथ ही अभी टीम इंडिया पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखा गया है। हम आपको बताते हैं कि किस तरफ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी और इस समय टीम इंडिया कहां पर है। टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को 81 बॉल शेष रहते सिर्फ 39 गेंदों में ही जीत हासिल करके एक बड़ी जीत हासिल की है और इसी के साथ पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो गया है। टीम इंडिया तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। आप पॉइंट टेबल पर देख सकते हैं न्यूजीलैंड अभी दूसरे नंबर पर है 4 मैच के साथ, उसके 6 पॉइंट है, जबकि इंडिया तीसरे नंबर पर है। टीम इंडिया ने भी 4 मैच खेले हैं लेकिन उसके 4 पॉइंट है। लेकिन अगर रन रेट की बात की जाए तो रन रेट टीम इंडिया का न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से बेहतर हो गया है इसी जीत के साथ। अब इंडिया का रन रेट है +1.619 जबकि न्यूजीलैंड का +1.277 है और अफगानिस्तान का +1.481 है। यानी इंडिया की टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत के बाद अब रन रेट के मामले में दोनों टीमों से आगे निकल गई है। ऐसे में टीम इंडिया को अब 8 नवंबर को जो नामीबिया के साथ इंडिया का मैच है वो जीतना होगा, और अगर टीम इंडिया वो मैच जीत जाती है और अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। यानी अब जिस तरह टीम इंडिया का रन रेट बेहतर हो गया है दोनों टीमों में से, तो अब अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है और जितने रन से भी हराती है उतने ही रनों से टीम इंडिया को नामीबिया को हराना होगा बस, तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर टीम इंडिया के लिए एक परेशानी ये है सिर्फ कि अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीत जाती है तो न्यूजीलैंड सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यानी न्यूजीलैंड को सिर्फ जीत चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे और ऐसे में वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, और जैसे ही अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगी तो अफगानिस्तान के 6 पॉइंट हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के भी 6 पॉइंट रहेंगे, जिसके बाद इंडिया नामीबिया से जीतकर 2 पॉइंट हासिल करने के बाद उसके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसे में रन रेट बेहतर होने की वजह से टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये है टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा हिसाब किताब।